इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें, दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, 1097 पुरुष और 100 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ से, शोभा करंद लाजे बेंगलुरु से, नॉर्थ से चुनाव मैदान में हैं, तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव, एसडी कुमार स्वामी मांड्या मैदान में हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा, हेमा मालिनी मथुरा से, अरुण गोविल मेरठ से, सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनाव मैदान में है। आपको बता दें, 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग। केरल में 20, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 8, उत्तर प्रदेश में 8, असम में 5, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 3, त्रिपुरा में 1, जम्मू कश्मीर में 1, मणिपुर में 1 सीट पर वोटिंग जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। आपको बता दें, 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, 1097 पुरुष और 100 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़, शोभा करंदलाजे बेंगलुरु से, नॉर्थ से और चुनाव मैदान में हैं। 2 पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से, एसडी कुमार स्वामी मांड्या मैदान में हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा, तो हेमा मालिनी मथुरा से मैदान में हैं। आपको बता दें, अरुण गोविल मेरठ, सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनाव मैदान में हैं। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। केरल में 20, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 8, उत्तर प्रदेश में 8, असम में 5, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 3, त्रिपुरा में 1, जम्मू कश्मीर में 1 और मणिपुर में 1 सीट पर वोटिंग जारी है। तेरह राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। आपको बता दें, 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में 1198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, 1097 पुरुष और 100 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ से, शोभा करंदलाजे बेंगलुरु नॉर्थ से चुनाव मैदान में हैं। 2 पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से, एसडी कुमार स्वामी मांड्या मैदान में है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से, हेमा मालिनी मथुरा से, अरुण गोविल मेरठ से, सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनाव मैदान में है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ टीकमगढ़ से सुधीर पटेरिया जुड़ गए हैं। सुधीर जी, 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, क्या जनता में क्या उत्साह देखा जा रहा है, जरा बताइएगा दर्शकों को। रीना, मैं आपको बता दूंगा, टीकमगढ़ लोकसभा में सुबह से ही प्रत्याशी उन्होंने पहले अपना नामांकन किया। नामांकन करने के वोटिंग करने के बाद यहाँ पे अगर देखे तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग इस बार खुश होकर के अपना मतदान कर रहे हैं। उनसे जब बात की गई लोगों से, तो उनका कहना है कि इस बार
हम अपना मत अपने अधिकार से ही करेंगे। और जो यहाँ व्यवस्था की बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं भी अच्छी की गई है, जिससे लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। पानी पीने के लिए रखा गया है और धूप अधिक पड़ रही है, जिसलिए ऊपर से छत उनके लिए छाया में खड़े होने के लिए पंडाल भी लगाए गए हैं। तो लोग अपना मत का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से, और सुबह से ही लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं और अभी भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी रीना जी, डॉक्टर वीरेंद्र खटीक ने भी मतदान कर दिया, अपनी पत्नी के साथ जाकर वो मतदान किए हैं, क्या कुछ अपडेट है? रीना, मैं आपको बता दूं कि सुबह से सबसे पहले वीरेंद्र खटीक ने अपने बूथ पर जाकर के मतदान किया है और लोगों से अपील की है कि सुबह से जल्दी से अपने घरों से निकल करके और मत का प्रयोग करें। तो इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार अपनी माता जी के साथ मतदान करने के लिए गए थे, तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि समय के पहले बूथ पर पहुंच करके वो अपना मतदान करें। जी जरा ये बताइएगा कि नेताओं के साथ साथ जनता में क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है, वहाँ की जनता कैसे वोट देने के लिए पहुँच रही है? रीना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ अगर बात कर ली जाए मतदाताओं की, तो मतदाता अपने खुश होकर के और घर से सुबह से निकल के आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारा काम है मतदान करना, इसके बाद घर के और काम देखेंगे, क्योंकि बाद में जो गर्मी का मौसम जितना तेज होगा तो लोग घरों से वैसे नहीं निकल पाएंगे, इसलिए सुबह से ही लोग 7 बजे से लंबी लंबी कतारें लगा करके और मतदान करने के लिए लगे हुए हैं। जी जी, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में 1,198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, 1,097 पुरुष और 100 महिला और 1 थर्ड जेंडर प्रत्याशी मैदान में हैं। टीकमगढ़ से अगर बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र खटीक अपनी पत्नी के साथ मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार खटीक ने मतदान किया है। वीरेंद्र कुमार ने सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील भी की है। वीरेंद्र ने कहा कि इस बार मतदान देश के भविष्य के लिए है, पूरी 29 सीटें जीतने का दावा किया है उन्होंने। कांग्रेस प्रत्याशी पंकज अहिरवार ने भी मतदान कर दिया है, अपनी मां के साथ मतदान करने बूथ पर पहुंचे पंकज अहिरवार। आपको बता दें, पंकज अहिरवार ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। पंकज ने कहा, क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए कांग्रेस को वोट दें। तो 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग दूसरे फेज में 1,198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, 1,097 पुरुष और 100 महिला और 1 थर्ड जेंडर प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व CM और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में हैं। तो 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। आपको बता दें, 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे फेज के में 1,198 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं, 1,097 पुरुष और 100 महिला और 1 थर्ड जेंडर प्रत्याशी मैदान में है। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व CM और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में हैं। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से, गजेंद्र सिंह सिखावत जोधपुर से, कैलाश चौधरी बाड़मेर से, वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ से, शोभा कारंदलाजे बेंगलुरु नॉर्थ से चुनावी मैदान में हैं। 2 पूर्व CM भूपेश बघेल राजनांदगांव, SD कुमार स्वामी मांड्या मैदान में हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा से तो हेमा मालिनी मथुरा से चुनावी मैदान में है। अरुण गोविल मेरठ, सुरेश गोपी त्रिशूर से चुनावी मैदान में है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें केरल में 20, कर्नाटक में 14, महाराष्ट्र में 8, उत्तर प्रदेश में 8, असम में 5 और बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 3, त्रिपुरा में 1, जम्मू कश्मीर में 1 और मणिपुर में 1 सीट पर वोटिंग जारी है। राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में 1,198 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। 1,097 पुरुष और 100 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी के अलीगढ़ से आकाश सोनी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ माहौल देखा जा सकता है, जनता में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है, आज वोटिंग का दिन है? बताना चाहूंगा जिस तरीके से अलीगढ़ में 19,90,529 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से मतदाताओं में काफी जोश का माहौल देखा जा रहा है। दिव्यांग हो या बुजुर्ग महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी अपने मत का प्रयोग करने के लिए वोटिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और मैं अधिक जानकारी बता दूं, जैसे कि अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां भाजपा से पूर्व सांसद सतीश गौतम है, वहीं वो ब्राह्मण समाज से हैं, वहीं ब्राह्मण समाज से ही बसपा प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और बंटी भैया हैं। और इंडिया गठबंधन की बात करूं तो उससे पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह चुनावी मैदान में हैं। यहाँ वोटिंग समीकरण की बात की जाए तो काफी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पूर्व सांसद यानी कि सतीश गौतम का विरोध जनता ने काफी जगह देखने को मिला है, जिसका फायदा कहीं ना कहीं बसपा और इंडिया गठबंधन को हो सकता है। जी जी आकाश, आज जनता का दिन है, आज जनता ही डिसाइड करेगी कि किस प्रत्याशी किस मुद्दे तक पहुंचे हैं, उन तक किस और उन्हें किस तरीके से उन पर विश्वास किया जाए, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जनता की अगर बात की जाए तो जनता में काफी रोष का माहौल भाजपा की ओर से मिल रहा है, क्योंकि वहाँ लगातार भाजपा का विरोध और भाजपा प्रत्याशी का विरोध भाजपा को झेलना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा मौजूदा जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, उनको कहीं ना कहीं झेलने को मिलेगा, और जिसका फायदा बसपा प्रत्याशी एवं गठबंधन प्रत्याशी को इसका फायदा मिलेगा। जैसे कि आपने बताया कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है आज का, जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा जनता ही किसके सर पर जीत का ताज बांधती है। जी रीना आकाश, मतदान केंद्रों पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए? देखिए, मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर काफी उचित व्यवस्था की गई है, जैसे कि दिव्यांग हो बुजुर्ग हो उनके लिए व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था की गई है, जिससे वे आसानी से अपने मत का प्रयोग कर सकें। और CRPF, RPF, PAC एवं अन्य लोकल डिफेंस के लोग भी यहाँ तैनात हैं, जिससे किसी भी तरह का मतदाता को परेशानी ना हो। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो 13 राज्यों और 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। दूसरे फेज में 1,198 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। 1,097 पुरुष और 100 महिला और एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी मैदान में हैं। लोकसभा अध्यक्ष, 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व CM और 3 फिल्मी सितारे चुनावी मैदान में हैं।